खबर आपके पास। 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोग भूवे मऊ गेस्ट हाउस जो यहाँ पर है वहां पर उनकी एक बैठक होनी है और वहां पर अमेठी और रायबरेली के जितने भी गणमान्य लोग हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, जितने बड़े नेता हैं, वो सब वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी जो रणनीति है अमेठी और रायबरेली को जीतने की, देखिए पार्टी ये दावा कर रही है कि आप अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को कमजोर उम्मीदवार मत समझिए, वहां पर उनके लिए भी कैंपेन जबरदस्त किया जाएगा। यानी अमेठी और रायबरेली पर गांधी परिवार की नजर है और दोनों सीटें जीतने की कोशिश करेंगे, उस बाबत एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अविनाश पांडे पहुंच चुके हैं, आराधना मिश्रा पहुंच चुकी हैं, सुप्रिया श्रीनेत यहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी का विमान जैसे टच डाउन करेगा फुर्सतगंज हवाई पट्टी पर, हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे पंकज। लेकिन ये बड़ी खबर है कि दोनों सीटों पर गंभीरता और मजबूती से लड़ने के लिए खुद सोनिया गांधी रणनीति बनाएंगी और जितने पुराने लोग उनके हैं, यानी 25-30 साल पुराने जो कांग्रेसी हैं और इंदिरा गांधी के जमाने के हैं, उन सबको बुलाया गया है, सबसे सलाह मशवरा की जाएगी, सबसे बातचीत की जाएगी। पंकज जी, मैं इससे पहले कि अमित के पास जाऊं, अनुपमा के पास जाऊं, क्योंकि आपने भावनाओं का जिक्र किया था, इमोशंस का जिक्र किया था अरुण, तो वो चिट्ठी का जरा जिक्र कीजिए जो केएल शर्मा ने जिस बारे में बताया था, जो बड़े इमोशन के साथ सोनिया गांधी ने लिखी थी। देखिए पंकज, सोनिया गांधी से चुनाव लड़ने को लेकर के अमेठी और रायबरेली के दोनों तरह के लोग गए थे वहां पर, उनसे मुलाकात हुई, उनसे कहा कि इस बार भी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे ही उनको पता चला कि वो राज्यसभा जा सकती हैं, सोनिया गांधी ने उनको अपने घर में 10 जनपद में बुलाया था और उनसे कहा था कि देखिए मेरी उम्र हो चली है, स्वास्थ्य के कारण है जिसकी वजह से मैं रायबरेली जा नहीं पाती हूँ, आपके बीच रह नहीं पाती हूँ। पंकज एक बात मैं आपको बताऊँ, काफी अरसे से, कई दशकों से दमे की शिकायत उनको है, धूल से परेशानी। आप देखते होंगे जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो वो गोवा चली जाती हैं, शिमला चली जाती हैं, और प्रियंका गांधी ने शिमला में इसीलिए घर बनाया था, तो उनको मुश्किल होती थी यहाँ आने में, यहाँ समय बिताने में। उन्होंने कहा कि मैं ये अन्याय नहीं करना चाहती कि आपका प्रतिनिधि बन करके और आपसे मिलूं ना, आपके बीच ना आ पाऊं, आपके सुख दुख में ना आ पाऊं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और तब उन्होंने कहा था कि लेकिन आप लोग, कई लोग इमोशनल हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ूंगी नहीं रायबरेली को, मैं कोई व्यक्ति ऐसा दूंगी जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहेगा और ये नाता बना रहेगा, ये नाता नहीं टूटेगा। तो वो नाता जोड़ने के लिए उन्होंने राहुल गांधी को यहाँ भेजा है। ये बात साफ है, ये बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी रायबरेली से सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। पंकज, तो ये बात हुई थी सोनिया गांधी से रायबरेली के लोगों की। मैं लौटूंगा आपके पास, जरा अमित का रुख करते हैं। अमित, दिनेश प्रताप सिंह से आपने बात की, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर नजर आए बीजेपी के कैंडिडेट है रायबरेली से, उन्होंने अस्त्र शस्त्र सब गिना दिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है मुझे, गृहमंत्री का आशीर्वाद है, योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद है, रायबरेली की जनता मेरे साथ है। लेकिन सच तो यह है कि अब मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है, क्योंकि हैवीवेट राहुल गांधी अब उनके सामने है, राह इतनी आसान नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हैवीवेट राहुल गांधी उनके सामने है, कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेता जो हैं वो रायबरेली में होंगे, वो कैंपेन करेंगे, तो जाहिर तौर पे दिनेश प्रताप सिंह के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के लिए भी हम आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ यहीं रायबरेली में देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी रायबरेली को इतने सस्ते से नहीं छोड़ेगी और ना ही अमेठी को, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि स्मृति ईरानी की कड़ी मेहनत थी जिसके वजह से राहुल गांधी को हार मिली और पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी ने पूरे देश में उठाया। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं, दिनेश प्रताप सिंह आज नॉमिनेशन करेंगे, 10:30 बजे के आसपास इस स्पॉट पे पहुंच जाएंगे और यहीं से वो सीधे 1 घंटे का वक्त होगा, तकरीबन 11:15-11:30 बजे के आसपास जब वो डीएम कार्यालय पहुंचेंगे यानी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास और वहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मैं एक बार तस्वीरें यहां पर दिखा दूं, पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। इस वक्त दिनेश प्रताप सिंह गांव में पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो पूजन अर्चन करेंगे, लेकिन यहां की तस्वीरें जरा देखिए, ये सुपर मार्केट है, काफी भीड़ भाड़ वाली मार्केट का है, ये सुपरमार्केट के बीचों बीच उनका कार्यालय यहां पर बनाया गया है और यहीं से उनका एक रोड शो निकलेगा और सीधे वो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाएंगे और वहां पर जाकर वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी अब उनके सामने चुनावी मैदान में होंगे। कल तक उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी रायबरेली से आ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। प्रियंका गांधी की अटकलें लगातार तेज थी लेकिन वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, कल भी बातचीत हुई थी, आज जब सुबह सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की, जब मैंने बातचीत की तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अगर रायबरेली ही आना था तो वायनाड उन्हें नहीं जाना चाहिए था, रायबरेली की जनता को धोखा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने वो लगातार गांधी परिवार पर हमला करते रहे और एक बात खास है, दिनेश प्रताप सिंह
पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस से ही वो यहाँ पर आए हैं। कभी वो गांधी परिवार के बेहद लॉयल माने जाते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ उनकी ऐसी हुई कि उन्हें बीजेपी आके ज्वाइन करना पड़ा और उसके बाद यहीं से वो विधायक चुने गए और फिर वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री 2019 में वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, एक बार फिर से गांधी परिवार के खिलाफ यानी राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में। ठीक, अनुपमा जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप अमेठी में इस वक्त है, अगर मैं बीजेपी की बात करूं, स्मृति ईरानी की बात करूं, तो जबरदस्त उत्साह नजर आता है बीजेपी कैंप में, क्योंकि स्मृति ईरानी खूब मुखर रहती हैं, लोगों से मिलती है, गांव-गांव जाती हैं और वहां इंटरेक्शन उनका हमेशा दिखता रहता है। कांग्रेस का कैंप जो था उसमें कहीं ना कहीं मायूसी नजर आती थी, क्योंकि कैंडिडेट कौन होगा उसको लेकर अटकलों का दौर भी था, लेकिन अब क्लैरिटी आ गई। हालांकि प्रियंका गांधी होती तो कुछ बात और होती, उसको लेकर जबरदस्त उत्साह भी था। हालांकि ये बताया जा रहा था कि प्रियंका गांधी लड़ सकती है वहां से चुनाव, या फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से, कुछ गाजे बाजे का इंतजाम किया गया क्या? बिल्कुल पंकज, देखिए हर कोई ये चाह रहा था कि गांधी परिवार से कोई भी जो है वो अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव लड़े। हालांकि रायबरेली सीट से जरूर राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी सीट जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है हमेशा से। हालांकि 2019 में जो है राहुल गांधी को यहां से हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके कल जब हमने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बातचीत की, इतना ही नहीं, आम जनता से जब हमने कल बात की, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़े, क्योंकि एक परंपरागत सीट रही है। इतना ही नहीं, अब आप ये समझिए जब केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो वो बहुत विश्वसनीय रहे हैं राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के साथ ही उन्होंने फिरोज गांधी तक के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ, और इसीलिए अब ये सबसे बड़ी परेशानी जो है कांग्रेस के सामने ये होगी कि आखिर किस तरीके से स्मृति ईरानी को जो है हराया जा सके। क्योंकि अगर स्मृति ईरानी का कद देखें फिलहाल अमेठी में, तो आप ये समझिए कि 2019 में जो है 55,000 वोटों से जो है राहुल गांधी को उन्होंने हराया था। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि केएल शर्मा जो है वो जरूर जो है बैकफुट पर रह के उन्होंने सोनिया गांधी के साथ काम किया है, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कभी उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर जो है चुनावी प्रचार इस तरीके से नहीं किया। हालांकि अब जब उनकी तरफ से चुनावी प्रचार किया जाएगा, अब जब वो चुनावी मैदान में होंगे, तो स्मृति ईरानी पर किस तरीके के कटाक्ष करेंगे वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अंदर ही अभी केएल शर्मा जो है मौजूद है, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे सबसे पहले आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखाएंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, किस तरीके की उनकी रणनीति होगी। क्योंकि अब कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में भी जो है कुछ ना कुछ बदलाव लाना होगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में उतरते तो बहुत क्लियर तस्वीर होती। जाहिर सी बात है कि यहां की जनता जो है वो अमेठी से चाहती भी थी कि राहुल गांधी चुनाव लड़े और शायद वो जीत भी जाते, लेकिन अब केएल शर्मा को जाहिर सी बात है यहां पे अकेले जो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, खुद राहुल गांधी यहां पर चुनावी प्रचार करेंगे, प्रियंका गांधी आ सकती है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी ग्राउंड जीरो पर केएल शर्मा के साथ मौजूद रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, दोनों ही सीटों को वापस पाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नजर आ रहा है। हालांकि रायबरेली जो है वो बहुत सेफ सीट फिलहाल कांग्रेस के लिए है, लेकिन अगर अमेठी की बात करें 2019 में हार गए, लेकिन 2024 में वो कतई नहीं चाहेंगे कि कम से कम ये सीट जो है बिल्कुल। तो अभी कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब केएल शर्मा नामांकन के लिए पहुंचेंगे, और आ चुकी नामांकन का आखिरी दिन है, दोनों ही तरफ से जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अरुण जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा, गृहमंत्री ने कल बड़ी बात की थी, उन्होंने बयान दिया था कि राहुल गांधी ने 2 मई से भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपना अभियान शुरू किया था और 4 जून को कांग्रेस ढूंढो अभियान एक तरह से शुरुआत करेंगे, तो तंज कसने शुरू कर दिए बीजेपी ने, और अब चूंकि अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां पर भी बीजेपी हमलावर हो जाएगी। देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव है, इस समय गर्मी कितनी है और जमीन पर यहाँ 40 डिग्री से ऊपर तो सुबह ही पारा चला जाता है, तो राजनेताओं के बयान इसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं पंकज, और हमारे आपके लिए काम भी दे देते हैं। राहुल गांधी ने भी लगातार हमले जारी रखे हैं प्रधानमंत्री पर और गृहमंत्री पर, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जहां तक बात है और भारत जोड़ो यात्रा की बात है, राहुल गांधी की छवि एक राजनेता के रूप में स्थापित हुई ये बात कांग्रेस पार्टी मानती है, और इसीलिए दूसरी यात्रा भी उसकी उनकी कराई गई थी। जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, देखिए रायबरेली आ जाना उनका, दिनेश प्रताप सिंह कभी सोनिया गांधी के बड़े खास सिपा सालार हुआ करते थे, वही आज सामने होंगे उनके बेटे के खिलाफ चुनावी मैदान में, तो ये राजनीति के रंग ढंग है, गृहमंत्री ने जरूर कहा है, और पूरी बीजेपी ये कहेगी कि राहुल गांधी ने अमेठी तो छोड़ ही दिया, अमेठी से तो वो चले ही गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि जो राजनीतिक विरासत सोनिया गांधी की है वो राहुल गांधी को ही संभालनी थी, राहुल गांधी ने ही संभाली है। एक बार पंकज एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2011-12 के आसपास सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई थी,
उनको इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया था और तब बहुत जोर शोर से यह खबर चली थी कि राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, प्रियंका गांधी होंगी कि राहुल गांधी होंगी। तब मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन और संगठन के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने संसद में एक बयान दिया था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के बाद निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। वो बात अब पूरी तरह से सच साबित हो गई है क्योंकि कई बार उत्तराधिकार की लड़ाई देखिए परिवारों में होती रहती है। आप देखिए ठाकरे परिवार की बात करिए, आप पवार परिवार की बात करिए, तो सोनिया गांधी ये इंश्योर करना चाहती है कि यहाँ पर कोई इस तरह की लड़ाई ना हो, इसीलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के रोल वो खुद डिफाइन करके और दोनों को कार्यभार बांट कर करके संतुष्ट होना चाहती है। अरुण जरा एक सवाल और है, चूंकि आप भावना और इमोशंस का लगातार जिक्र कर रहे हैं तो मैं जरा आपसे रायबरेली और अमेठी के बारे में समझना चाहूंगा, यहाँ के लोगों के बारे में समझना चाहूंगा। हालांकि चुनाव हारे अमेठी से तो उन्होंने वो वायनाड चले गए और फिर ये शिकायत थी अमेठी के लोगों की राहुल गांधी आए नहीं अमेठी। सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट जब छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने बहुत इमोशंस के साथ कहा कि मैं अपने परिवार के ही किसी सदस्य को यानी गांधी परिवार के ही सदस्य को उतारूंगी जो आपकी भावनाओं को अच्छे से समझता है। और कल की स्पीच जो है प्रियंका गांधी की एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा, बहुत इमोशनल वो स्पीच थी, तो क्या आपको लगता है कि जो जनता है रायबरेली की और जो वोटर है अमेठी का वो इन इमोशंस को समझता है? गांधी परिवार के साथ उनका एक नेचुरल अटैचमेंट है सालों साल का। देखिए कहानी क्या है, अमेठी की कहानी यह है कि संजय गांधी ने जब पता करवाया कि उनको चुनाव लड़ना है तो कौन सी सीट ठीक होगी, उनके पास बहुत बड़ा तंत्र उस समय था और उनके लोगों ने चुना कि अमेठी पिछड़ा इलाका है और इसलिए वहां का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और चूंकि पिछड़े इलाके से अगर बड़े नेता लड़ेंगे तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा, उस कंस्टिट्यूंसी में अस्पताल बनेंगे, सड़क बनेगी, लोगों का भला होगा, जो इलाके पहले से मजबूत हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, वहां से अगर बड़ा नेता बनता है तो लड़ता है या वहां जाता है तो बड़ी बात नहीं है। पिछड़े इलाके के रूप में अमेठी और रायबरेली को चुना गया था ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं और उसको नर्चर करने का काम कांग्रेसियों ने किया, ये भी उनका दावा है। हालांकि बाद में बीजेपी लगातार कहती रही कोई विकास नहीं हुआ यहां पर और 70 सालों तक यहां पर विकास की किरण नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती विकास की किरण, लेकिन कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कि यहां के लोगों के लिए बहुत कुछ किया गया है, इंदिरा आवास देने से लेकर अस्पताल देने से लेकर ट्रिपल आईटी बनवाने से लेकर रेल कोच फैक्ट्री बनवाने से लेकर उर्वरक कारखाना बनवाने से लेकर के इंस्टीट्यूट बनवाने के लिए उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। तो अमेठी में जितना इमोशन राहुल गांधी के लिए था उतना रायबरेली में है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है क्योंकि अमेठी के लोग काफी इमोशनल होकर राहुल गांधी को बुला रहे थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए मैं वोटरों की बात नहीं कर रहा, वोटर अगर इतने ज्यादा इमोशनल होते तो 2019 में हारते नहीं राहुल गांधी, मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। वोटर तो आखिरी दिन अपना फैसला सुनाता है, लेकिन हाँ एक हवा इस तरह की थी कि अमेठी से अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो अच्छे खासे मार्जिन जीतेंगे और ये सुनील कोनगोलू ने भी उनसे कहा था और पार्टी के सर्वे में भी पाया गया था, लेकिन रायबरेली उनका आना और ज्यादा चौंकाता है क्योंकि सोनिया गांधी से लोग इमोशनली अटैच हैं और सोनिया गांधी उनका नामांकन दाखिल कराने आएंगी, कांग्रेस ये कह रही है कि यहां से भी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल, तो आज आपका दिन बहुत बिजी रहने वाला है, जैसा कि अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त रायबरेली में मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब पहुंचेंगे रायबरेली, चूंकि नामांकन आज आखिरी तारीख है, राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और अमेठी से KL शर्मा को मैदान में उतारा कांग्रेस ने, लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी है, रायबरेली उन्होंने चुना है, तो ऐसे में तंज अब आने शुरू होंगे, बीजेपी की तरफ से होना भी शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। मंजिंदर सिंह सिरसा बोले, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से KL शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पर उनको लाएंगे, हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। अमित हमारे साथ है, अमित, दिनेश प्रताप सिंह ने तो जो कहना था कह दिया न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर, आपके कैमरे पर, अब जरा इंतजार रहेगा स्मृति ईरानी क्या बोलती हैं, योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं, केशव प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं, यानी बीजेपी के नेता जो हैं अब इसको लेकर हमलावर होंगे।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए आज मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, प्रवास पर रहेंगे। तमाम उनके कार्यक्रम हैं, योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यक्रम हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इनके तमाम कार्यक्रम आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये अपने मन से आज गांधी परिवार पर निशाना जरूर साधेंगे, राहुल गांधी पर जरूर निशाना साधेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया, और उसके बाद भले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अपना तर्क की राजनीतिक विरासत उन्हें संभालनी है, सोनिया गांधी के वही हैं, इकलौते हैं, इस वजह से उन्हें रायबरेली से लड़ना है, लेकिन जरूर बीजेपी के नेता यह कहेंगे कि स्मृति ईरानी के डर से राहुल गांधी अमेठी नहीं गए और उन्होंने रायबरेली जाना ज्यादा सेफ महसूस किया, क्योंकि वो उनके माता यानी वो सोनिया गांधी का वो सीट है। लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए कहा कि उन्हें दोनों सीट से हारना होगा, रायबरेली और अमेठी, तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे रिपीट कर सकते हैं। और 10:30 बजे दिनेश प्रताप सिंह इसी स्पॉट पे पहुंचेंगे और सीधे वो जाएंगे अपना नॉमिनेशन भरने के लिए। बिल्कुल अरुण, अब चूंकि 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, अब हलचल तेज हो गई होगी, लोगों तक खबर पहुंच गई होगी कि राहुल गांधी यानी गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है, किस तरह की हलचल है, लोग जुटना शुरू हो गए क्या? पहली बात तो यह है कि जनता का मूड क्या है जानने के लिए ना स्ट्रक्चर्ड डिबेट जो होती है उसमें तो लोग मन बना के आते हैं, लेकिन ऐसे राह चलते सड़क चलते अगर किसी को आप पकड़ लीजिए, देखिए दो लोग यहाँ मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, एक साइकिल उन्होंने खड़ी की है वहाँ पर, जरा देखिए साइकिल खड़ी है, यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है, अब इनसे हम आ गए हैं, जरा एक छोटा सवाल बता दीजिए मुझे, मेरा सवाल है राहुल गांधी अब रायबरेली चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों को एक खबर पता चली? अभी तो हमें नहीं मालूम हुआ है, लेकिन वो लड़ रहे हैं, घोषणा कर दी कांग्रेस, घोषणा कर दिया है, लेकिन यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि हम लोग ईंटा गाड़ा कर रहे हैं कि यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी, जो 52 फैक्ट्री थी, हाँ। जो ऐसी बनाई थी वो फैक्ट्री, वो कांग्रेस ने बनवाई थी, तो उसमें क्या हो गया? अभी वो बंद हो गई सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, बहुत बेरोजगार लोग हम भी, आपका मुद्दा बेरोजगारी का, आप ये बताइए राहुल गांधी के यहाँ से लड़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है? यहाँ तो उन्नत होगी, वो बहुत अच्छा काम करे, आज तो नहीं काफी पहले से वो कर रहे हैं। अच्छा, 2014 के बाद तो कोई विकास ही नहीं हुआ।